बात करेंगे जल नायक से बने खलनायक। कल तक श्री अभय चौटाला जल नायक कहलाते थे, वही अभय सिंह चौटाला आज जनता के बीच और परिवार के बीच खलनायक बन गया है। इस खलनायक की छवि का कारण अभय सिंह चौटाला खुद हैं। श्रीमान अकड़ स्वभाव मिजाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं। पिछले दिनों करण दलाल को गोली मारने की धमकी देने से लेकर परिवार में विवाद करने तक के सफर पर गौर किया जाए तो खलनायक कहना भी गलत नहीं होगा। कल तक जिस व्यक्ति का हाथ दिग्विजय चौटाला व श्री दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद के लिए उठता था, आज वही हाथ तलवार लेकर घूम रहा है। क्या जिंदाबाद के नारे देना गुनाह है? क्या गलती थी श्री अजय चौटाला के दोनों पुत्रों की? दोनों को भाइयों ने पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिए, उस पार्टी के लिए सीनियर नेता ने उनको क्या दिया? अपने फायदे के लिए 4 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच के लिए अपने ही परिवार को अलग अलग कर दिया। ऐसे व्यक्ति को खलनायक कहना गलत नहीं होगा। हर पल अपने ही बच्चों के लिए साजिश रचना, वर्करों को धमकाना, फोन करके अजय सिंह चौटाला परिवार के प्रोग्रामों को असफल बनाने की कोशिश करना, यह सब खलनायक वाले ही कार्य हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि जलनायक की दोस्ती बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त से भी रही है। कुछ दिनों में जलनायक और खलनायक संजय दत्त मिलकर जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट बटोरने की कोशिश भी करेंगे। इनसे सावधान रहना या ना रहना वो जनता की बात है। तो ये थी ठेठ हरियाणा की कवर स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।